नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल संस्कृत में जो पांचवा पेपर है हमारा, प्राचीन संस्कृत साहित्य। उस संस्कृत साहित्य के पेपर में आज हम पढ़ रहे हैं जो महात्मा बुद्ध का चरित्र जिसमें वर्णित है, बुद्ध चरितम। अब देखिए क्या कहते हैं तृतीय सर्ग में अश्वघोष, क्या कहते हैं कि अथो नरेंद्र सुतम आगत अश्रु सुरस्य उपजग्राह चिरम निरीक्ष गच्छेताज्ञापयति इस्म वाचा स्नेहान्न चेनम मनसा मुमोच। देखिए अत इसके बाद, किसके बाद, जब राजा ने आज्ञा दे दी बुद्ध को बिहार यात्रा के लिए, और जब बुद्ध को बिहार यात्रा के लिए आज्ञा दे दी और आज्ञा प्राप्त करने के बाद जब महात्मा बुद्ध अपने पिता सुद्धोधन के पास आए, तब क्या हुआ, नरेंद्र यानी जो राजा थे, नरेंद्र किसके लिए आया है, सुद्धोधन के लिए आया है। सुतम आगतम यानी सुतम पुत्र को, आगतम जो आया हुआ था, ऐसे पुत्र को अश्रुह सरसी उपजिग्राह चरम निरीक्ष कि अश्रुह जो अश्रु पूरित थे और सिरसी सिर पर उपजिग्राह सूंघ करके चिरम निरीक्ष और लंबे समय तक उनको देख करके गच्छेति च आज्ञापयति इस्म कि जाओ इस प्रकार से आज्ञा दी बाचा स्नेहान्न चेनम मुमोच मनसा कि बाचा यानी वाणी के द्वारा उन्होंने अपने पुत्र के लिए यह आज्ञा दे दी कि भ्रमण के लिए जाओ और स्नेहात स्नेह के कारण से चयनम मनसा मुमोच कि इसको मन से मुक्त नहीं किया। अर्थात जब राजा सुद्धोधन के पास महात्मा बुद्ध आए तो उन्होंने अपने पुत्र को आया हुआ देख करके उनके सिर को सूंघा और उनको बहुत लंबे समय तक देखा, और बहुत लंबे समय तक जब देखा महात्मा बुद्ध को तो उन्होंने गच्छ इति कि जाओ इस प्रकार से आज्ञापयति इस्म आज्ञा दे दी वाचा वाणी के द्वारा, यानी उन्होंने सुद्धोधन ने अपने पुत्र जो बुद्ध थे उनके लिए वाणी के द्वारा यह आज्ञा दे दी कि जाओ स्नेहात न चैनम मनसा मुमोच, लेकिन मन से इनका स्नेह होने के कारण से इनको मुक्त नहीं किया। देखिए अनवय है विद्यार्थियों कि अत इसके बाद आगत अश्रुह कि आगत अश्रुह कि जिनके आंसू आ गए थे, ऐसे क्या कहा, तो आगत अश्रु किसको कहते हैं, जिनके नेत्रों में अश्रु आ गए थे। सिरसी सुतम आघ्राय कि सिरसी माने सिर पर से अपने पुत्र को सूंघ करके चिरम निरीक्ष और लंबे समय तक देख करके गच्छेति जाइए इस प्रकार से आज्ञापयति इस्म उन्हें आज्ञा दे दी स्नेहात मनसा च एनम न मुमोच स्नेह के कारण से, यानी अपने पुत्र से स्नेह के कारण से, प्रेम के कारण से इनको मन से मुक्त नहीं किया। अर्थात अपने पुत्र को मन से आज्ञा नहीं दी, यानी वाणी से तो आज्ञा दे दी जाइए इस प्रकार से, लेकिन अपने पुत्र को उन्होंने मन से आज्ञा नहीं दी। अब देखिए जब आप इसका प्रसंग लिखेंगे तो आप लिख देंगे कि महात्मा बुद्ध का वर्णन करते हुए कवि अश्वघोष कहते हैं, जब आप इसमें व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे विद्यार्थियों तो देखिए पहली व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी नरेंद्र, आप लिखेंगे नंबर एक डाल के नरेंद्र शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर उसके बाद देखिए गच्छेति, गच्छेति में गच्छ प्लस इति गुण संधि हो जाएगी, और फिर देखिए स्नेहान्न, स्नेहात प्लस न यहाँ पर हल संधि हो जाएगी, और चैनम है तो च प्लस एनम यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी, और निरीक्ष है तो ने उपसर्ग है, सॉरी निर उपसर्ग है, ईक्ष धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इस प्रकार से क्या विद्यार्थियों ये जो श्लोक है इसमें आपकी व्याकरण टिप्पणियाँ हो जाएंगी, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए शीघ्रता से करेंगे। देखिए क्या कहा है, ये श्लोक इस श्लोक का अर्थ है विद्यार्थियों, आप इसको पढ़ लेंगे, जूम करके आप इसको पढ़ सकते। अब देखिए ये आठवां श्लोक है,
कि ततः स जामु नद भांड भ्रद्भिः युक्तं चतुर्भिः निवृतैः तुरंगैः अक्लीव विद्वच्छुरित रश्मिधारं हिरण्यमयं स्यन्दनं आरुरोह। क्या कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध के लिए उनके पिता ने अनुमति दे दी और अनुमति दे दी तो क्या हुआ कि जो महात्मा बुद्ध हैं ततः माने इसके बाद, किसके बाद, जब उनके पिता ने उनको अनुमति दे दी कि जाइए तो इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद जब क्या होता है विद्यार्थियों कि स माने वह है, ये महात्मा बुद्ध के लिए आया है जाम्बू नद भांड भ्रदविह कि जिसमें जाम्बू नद से यानी जाम्बू नद कहते हैं स्वर्ण को, तो सोने के भांड जिसमें लगे हुए थे यानी सोने के आभूषण जिसमें लगे हुए थे ऐसों से जो युक्त था चतुर्वीय निवृतय तुरंगय के चतुर्वीय जो चार थे निवृतय तुरंगय तो निवृत कहते हैं जो शांत थे ऐसे तुरंगय घोड़ों के द्वारा यानी जो चार घोड़े थे उन चार प्रकार के घोड़ों के द्वारा। और कैसे घोड़े थे विद्यार्थियों, वे घोड़े ऐसे थे जो निवृत्त, निवृत्त कहते हैं शांत, तो इस प्रकार के चार शांत घोड़ों के द्वारा अक्लीब विद्वत सोचि रश्मि धारम के अक्लीब विद्वत के अक्लीब अक्लीब के अक्लीब विद्वत यानी जो अत्यंत विद्वान था ऐसा, और सोचि सोचि कहते हैं विद्यार्थियों पवित्र के लिए यानी जो अत्यंत बलवान था, जो विद्वान था और सोचि जो पवित्र था, ऐसे उस सारथी से जो युक्त था ऐसे रश्मि धारम कहते हैं सारथी को हिरण्यमयं स्यन्दनं आरुरोह ऐसे सोने से बने हुए उस रथ पर वे चढ़ गए। कौन, ये महात्मा बुद्ध के लिए है कि जो महात्मा बुद्ध हैं ऐसे स्वर्ण निर्मित रथ पर चढ़ गए जिसमें क्या है सोने के भांड लटके हुए थे। देखिए एक बार अन्वय देख लीजिए कि ततः माने उसके बाद, सह माने हुए है कौन, महात्मा बुद्ध। जम्बू नद भांड भ्रद्वी है युक्तम कि जिस पे जम्बू नद कहते हैं सोने के भांड लटके हुए थे ऐसे यानी सोने के भांड निर्मित क्या होता है जो घोड़े होते हैं ना उनके घोड़ों के लिए आया है, तो ये जो घोड़े थे जिन घोड़ों को क्या आभूषण किसके पहनाए गए थे सोने के जिनको आभूषण पहनाए गए थे ऐसे जो घोड़े थे उन घोड़ों से जो युक्त हैं, तो किसके लिए आया विद्यार्थियों, घोड़ों के लिए आया है। क्या आया है कि देखिए कि ततः माने इसके बाद, सह माने वह जो महात्मा बुद्ध थे, तो ततः उसके बाद जो महात्मा बुद्ध थे जाम्बू नद भांड भ्रद्वीह कि जिनके लिए सोने के अलंकार पहनाए गए थे, जो सोने के जो अलंकारों से जो युक्त थे यानी जिनको सोने के आभूषण पहनाए गए थे ऐसे चतुर्भिय निवृतय तुरंगय जो चार शांत घोड़े थे उन घोड़ों के द्वारा, तुरंगय उन घोड़ों के द्वारा युक्तम जो युक्त था ऐसे अक्लीब विद्वत सुरत, तो अक्लीब अक्लीब जो रथ था कैसा, क्या कहा, अक्लीब अक्लीब विद्वत सोचि रश्मि धारम कि अक्लीब कहते हैं जो स्वच्छ होता है, विद्वत जो विद्वान था और सोचि कहते हैं जो पवित्र था, ऐसे रश्मि धारम यानी ऐसी जो रश्मि धारम कहते हैं जो सारथी था, ऐसे सारथी से जो युक्त था ऐसे हिरण्यमयं स्यन्दनं आरुरोह ऐसे सोने से बने हुए उस रथ पर सवार हो गए। किस पे सवार हो गए, उस रथ पर सवार हो गए जो ये घोड़े के विशेषण हैं कौन से हैं, देखिए जाम्बूनद भांड ब्रद्वीय युक्तम यानी जिनको सोने के आभूषण पहनाए गए थे ऐसे चतुर्भिय जो चार थे निवृतय जो शांत थे ऐसे तुरगों से जो युक्त था, तुरग कहते हैं घोड़े को, और अक्लीव विद्वत सुचियस रश्मि धारम यानी जिसका जो सारथी था
वो कैसा था? अत्यंत विद्वान था, जो पवित्र था, उससे जो युक्त था, ऐसे हिरण्यमयम स्यंदनम, जो हिरण्यमय कहते हैं जो सोने से युक्त था, ऐसे स्यंदनम आरुरोह, ऐसे उस रथ पर वह सवार हो। अब देखिए ये इसका अर्थ है विद्यार्थियों, आप पढ़ लेंगे इस अर्थ को। इस श्लोक की जो व्याकरण टिप्पणी है देखिए ये लिखे हुए हैं, तो जैसे हिरण्यमय है तो फिर इसको आप इसमें से व्याकरण की टिप्पणियाँ लिख लेंगे। ये जो लिखा हुआ है टिप्पणी, ये व्याकरण की टिप्पणियाँ हैं। फिर क्या कहते हैं देखिए, ततः प्रकीर्णोज्ज्वल पुष्पजालम विसक्त माल्यम प्रचलत पताकम मार्गम प्रपेदे सदृश अनुयात्रस चंद्रस नक्षत्र एव अंतरिक्षम। देखिए फिर क्या कहते हैं विद्यार्थियों, ततः माने उसकी बात, प्रकीर्ण उज्ज्वल पुष्प जालम यानी जिस पर फूलों का उज्ज्वल जाल फैला हुआ था, ऐसे प्रचलत पताकम और जिस पर जो पताका है वो चलायमान थी, ऐसे मार्गम प्रपेदे उस मार्ग पर प्राप्त हुए यानी उस मार्ग पर महात्मा बुद्ध आए, और सदृश अनुयात्र चंद्र स नक्षत्र एवं अंतरिक्षम। तो जिस प्रकार से अंतरिक्ष में नक्षत्रों से युक्त चंद्रमा होता है, उसी प्रकार से अपने यात्रियों से जो युक्त थे ऐसे महात्मा बुद्ध उस मार्ग पर आए। क्या कहते हैं? ततः, ततः कहते हैं उसके बाद, किसके बाद? जब महात्मा बुद्ध उस रथ पर सवार हो गए, उस रथ पर सवार होने के बाद फिर क्या कहते हैं? प्रकीर्ण उज्ज्वल पुष्प जालम, तो जिस जहाँ फूलों का जाल फैला हुआ था ऐसे उसमें विसक्त माल्यम और जिसमें मालाएं लटकी हुई थी, ऐसी मालाओं से जो युक्त था, और प्रचलत पताकम और जिसमें पताका फहरा रही थी, ऐसे मार्गम प्रपेदे उस मार्ग को प्राप्त किया यानी जो महात्मा बुद्ध हैं उस मार्ग पर आए, कैसे? सदृश अनुयात्रश्चंद्रह स कि सदृश अनुयात्रश्च यानी उनके जो योग्य थे ऐसे यात्रियों के साथ, और कैसे आए? चंद्रह स नक्षत्र एव अंतरिक्षम, कि जिस प्रकार से नक्षत्रों के साथ चंद्रमा अंतरिक्ष में आता है, उसी प्रकार से क्या है, भगवान बुद्ध भी उस मार्ग पर आए जो अत्यंत सजाया गया था। अब इसमें क्या है विद्यार्थियों, ये जो है ना नक्षत्र एवं अंतरिक्षम चंद्र से लेकर के क्या है, उपमा अलंकार है। आप ध्यान रखेंगे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है विद्यार्थियों। अब देखिए जब आप इसमें व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो ततः में लिख देंगे तद शब्द है, तद शब्द और तसिल प्रत्यय है। फिर उसके बाद देखिए ये है स कहते हैं तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एकवचन एव अंतरिक्षम में एव प्लस अंतरिक्षम हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। और फिर देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे फिर देखिए इसमें है एक मार्गम प्रपेदे है, तो प्र उपसर्ग है, पद धातु है, लिटल अकार प्रथम पुरुष एकवचन है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों इसकी व्याकरण टिप्पणी हो जाएगी। आपको इसका छंद पता ही है, वंशज छंद है इसमें और उपमा अलंकार है। फिर देखिए कौतूहलात स्फीत तरैश्च नेत्रैः नीलोत्पल अर्धैः एव कीर्यमाणम शनैः शनैः राजपथम जगाहे पौरेः समन्तात् अविच्छमाणः। देखिए क्या कहते हैं कि कौतूहल के कारण से स्फीत तरैश्च, स्फीत कहते हैं फैले हुए, नेत्रैः नेत्रों के द्वारा, नीलोत्पल अर्धैः एव कीर्यमाणम, नीलोत्पल कहते हैं जो कमल होता है, तो नीलोत्पल अर्धैः एव यानी आधे नीलोत्पल के समान, आधे कमल के समान कीर्यमाणम जो बिखरे हुए थे, जो फैले हुए थे, शनैः शनैः राजपथम, शनैः शनैः कहते हैं धीरे धीरे, राजपथम राजपथ पर उस मार्ग पर जगाहे प्राप्त हुए पौरैः समन्तात् अविक्षमाणः, कि पौरैः जो पुर के निवासी थे उनके द्वारा समन्तात् कहते हैं चारों तरफ से देखे जाते हुए, यानी जब महात्मा बुद्ध वहाँ पर उत्पन्न हुए यानी जब राजमार्ग पर आ गए, और राजमार्ग पर जब महात्मा बुद्ध आ गए तो क्या हुआ
जो नगर के निवासी थे वे उन महात्मा बुद्ध को देख रहे थे। और महात्मा बुद्ध को जब वो देख रहे थे तो देखिए अनवय देखिए क्या कहते हैं के पौरैह नगर वासी भी है। क्या कहते हैं पौरैह यानी पुर के जो निवासी थे उनके द्वारा समन्तात अवीक्षमाण के चारों तरफ से देखे जाते हुए कौतूहलात स्फीतरैह नीलोत्पल अर्धय एव कि कौतूहल के कारण से आधे खिले हुए कमल के समान नेत्रैह कीर्यमाणम राजपथम शनै शनै जगे के नेत्रों के द्वारा जो कीर्यमाणम फैलाए गए थे राजपथम शनै शनै जगाहे के उस राजपथ पर धीरे धीरे वे वहाँ पर उत्पन्न हुए यानी उस राजपथ पर वे आए। क्योंकि जो पुर के निवासी थे वे पुर के निवासी क्या है महात्मा बुद्ध को देख रहे थे और महात्मा बुद्ध को देख रहे थे तो वह भी क्या है कौतूहल के कारण से उन्हें देख रहे थे। व्याकरण टिप्पणी है उसके लिए आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से देख लेंगे। जूम करके आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। देखिए कहते हैं तम तुष्टुवुह सौम्य गुणेन केचित बविंद्रे दीप्ततया तथा अन्य सौमुख्यस्तु श्रियम अस्य केचित वैपुल्यम आशंसीह आशंसी सुरायुषश्च। देखिए क्या कहते हैं कि तम माने उसको किसको ये उसके लिए आया है जो महात्मा बुद्ध हैं उसको। क्योंकि जब प्रजा वहाँ पर विद्यमान थी तो तब क्या किया कि तम माने उसको किसको महात्मा बुद्ध को तुष्टुवुह कि तुष्टुवुह स्तुति की। क्या कहते हैं कि तम माने उसकी किसकी महात्मा बुद्ध की तुष्टुवुह स्तुति की सौम्य गुणेन कि सौम्य गुणेन यानी महात्मा बुद्ध के सौम्य गुण के द्वारा जो कुछ व्यक्ति थे केचित आया है कुछ व्यक्तियों ने उनकी स्तुति की। और बवंदरे देखिए फिर क्या आया है बवंदरे बविंदरे का मतलब है वंदना की प्रणाम किया दीप्ततया तथा अन्य के दीप्ततया उनके दैदीप्यमान होने के कारण से कुछ व्यक्तियों ने तो क्या किया कि महात्मा जो बुद्ध हैं उनकी स्तुति की और कुछ ने उनको प्रणाम किया। तो क्या कहा कि तम तुष्टुवुह कि तम माने उसको किसको जो महात्मा बुद्ध हैं उनको। क्या कहते हैं कि तम तुष्टुवुह यानी उनको यानी महात्मा बुद्ध को सौम्य गुणेन कि उनमें जो सौम्य का गुण था उसके द्वारा केचित बवंदरे कि केचित माने कुछ व्यक्तियों ने देखिए तम माने उसको तुष्टुवुह सौम्य गुणेन तुष्टुवुह कहते हैं स्तुति की यानी कुछ व्यक्तियों ने उनके सौम्य गुण के कारण से क्या है महात्मा बुद्ध की स्तुति की। और केचित यहाँ के बाद शुरू होता है बवंदरे दीप्ततया तथा अन्य कि बवंदरे माने वंदना की दीप्ततया उनकी दीप्ति के कारण से उनके तेज के कारण से कुछ व्यक्तियों ने उनको प्रणाम किया वंदना की। और सौमुख्यस्तु श्रियमस्य केचित कि सौमुख्यमस्तु और इनके सौमुख्य के कारण से इनके अनुकूल होने के कारण से श्रियमस्य केचित कि केचित माने कुछ व्यक्तियों ने श्रियम अस्य यानी इनकी जो शोभा थी इनकी जो लक्ष्मी थी और वैपुल्यम जो वैपुल्य था उसके लिए आशंसी सु आयुषश्च आशंसी सु आयुषश्च यानी कुछ लोगों ने इनके विपुलता की यानी इनकी लक्ष्मी और आयु की विपुलता की कामना की यानी कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध की लक्ष्मी और विपुलता की कामना की। तो इसमें क्या बताया गया कि कुछ तो ऐसे थे तुष्टुवु कहते हैं जिन्होंने स्तुति की किस कारण से सौम्य गुण के कारण से और केचित बवंदरे दीप्ततया तथा अन्य और कुछ व्यक्तियों ने उनकी वंदना की किस कारण से उनकी दीप्ति के कारण से। और सौमुख्यस्तु श्रियम अस्य केचित वैपुल्यम आशंसी आयुषश्च यानी उनकी आयु और शोभा की विपुलता की कुछ व्यक्तियों ने क्या है कामना की यानी आशंसा की।
अब देखिए, जब आप इसकी व्याकरण टिप्पणी देखते हैं तो देखिए व्याकरण टिप्पणी के लिए आप यहाँ से देखेंगे क्या है कि ये है बवंद्रे। तो बवंद्रे में क्या है, बवंद्रे है और इसमें दिया हुआ है देखिए बवंद्रे में बंद धातु है विद्यार्थियों। कौन सी धातु है, बंद। देखिए ये लिखा हुआ है कि बंद धातु है, लिटिल अकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। और उसके बाद देखिए दूसरी जब देखेंगे तो इसमें दे रखा है वैपुल्यम, तो विपुल शब्द है, संयम प्रत्यय है। और फिर नीचे दिया हुआ आसंसी, तो आ उपसर्ग है, संस धातु है, लिटिल अकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इस प्रकार से आप इसकी व्याकरण टिप्पणी कर लेंगे। अब देखिए निसृत्य कुब्जाश्च महाकुलेभ्यो व्यूहाश्च कैरातश्च वामनानां नार्यश्च कृषेभ्यश्च निवेशनेभ्यो देवान अनुयान ध्वज वत प्रणयमुह। देखिए क्या कहते हैं, निसृत्य माने निकल करके। क्या हुआ कि जब उन्होंने ये सुना कि भगवान बुद्ध बाहर निकले हैं, क्योंकि पहले निकले नहीं थे, तो निसृत्य माने निकल करके कुब्जाश्च, कुब्ज किनको बोलते हैं, जिनके शरीर में कोई भी रोग होता है, कुब्ज कहते हैं ना, कुब्ज है, कुबड़ा है। तो क्या कहा, निसृत्य कुब्जाश्च महाकुलेभ्यो, यानी जो महान कुलों वाले थे, बड़े बड़े कुलों वाले थे, उच्च कुलों वाले थे, वे व्यूहाश्च, और जो व्यूहाश्च, व्यूहाश्च कहते हैं समूह, उनके समूह कैरात वामनानाम, यानी जो कैरात थे और जो वामन थे उनके समूह, यानी जो कैरात कहते हैं बनेचर को और वामन कहते हैं जो बौना व्यक्ति होता है, उनके समूह निकले। और नार्यक्रसेवश्च के जो नारियां थीं, यानी वामनों की जो स्त्रियां थीं वे, और कृषेवश्च कहते हैं जो कृष होते हैं, जो कृपण होते हैं, निवेशनेभ्यो कहते हैं उनके जो भवन थे उनसे। क्या कहा कि उनके जो भवन थे उनसे बाहर आ गए, और देवानुयान ध्वजवत, देवानुयान कहते हैं जो इंद्रदेव होता है उसके ध्वजवत, उसके ध्वज को जिस प्रकार से प्रणाम किया जाता है उसी प्रकार से उन नारियों ने उस ध्वज को प्रणाम किया, जो सॉरी महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। क्या कहते हैं कि महाकुलेभ्यो व्यूहाः च कुब्जाः, कि महाकुलेभ्यो जो महान कुलों के समुदाय थे उनके व्यूहाः च कुब्जाः कैरात वामनानां नार्यः, यानी उनके समूह और कुब्ज और कैरात और वामनों की जो नारियां थीं, क्या कहते हैं, कृषस्य निवेशनेभ्यः च नार्यः निसृत्य, कि वे जो नारियां थीं वे बाहर निकल के देवान अनुयान ध्वजवत प्रणेम्युह, कि उन्होंने इंद्रदेव के ध्वज के समान उन महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। अब देखिए इसकी जब व्याकरण टिप्पणी देखेंगे आप, तो देखिए कि नेह सृत्य है, तो नी निर उपसर्ग है, श्री धातु है, त्वा प्रत्यय है। फिर उसके बाद देखिए ये दिया है प्रणेमुह, प्रणेमु में प्र उपसर्ग है, नम धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। फिर उसके बाद जब आप देखेंगे इसमें, देखिए आप देखेंगे महाकुलेभ्यो, तो आप लिख लेंगे महाकुल शब्द है और पंचमी विभक्ति बहुवचन है। फिर देखिए वामना नाम है, तो वामन शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इसमें लिख देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।